Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बादशाह ने गधों को कतार में चलते देखा तो कुमार से पूछा, तुम इन्हें किस तरह सीधा रखते हो? कुमार ने जवाब दिया कि जो गधा लाइन तोड़ता है उसे सदा देता हूँ, बस इसी कोप से ये सब सीधा चलते हैं। बादशाह ने कहा, क्या तुम मेरे मुल्क में अमन कायम कर सकते हो? कुमार ने आमी भर ली। शहर आए तो बादशाह ने उसे मुंसिब बना दिया। कुमार के सामने एक चोर का मुकदमा लाया गया। कुमार ने फैसला सुनाया, चोर के हाथ काट दो। जल्लाद ने वजीर की तरफ देखा और कुमार के कान में बोला, जनाब ये वजीर साहब का खास आदमी है। कुमार ने दोबारा कहा, चोर के हाथ काट दो। इसके बाद खुद वजीर ने कुमार के कान में सरगोशी की कि जनाब थोड़ा ख्याल करें, ये अपना ही आदमी है। कुमार बोला, चोर के हाथ और वजीर की जुबान दोनों काट दो। कुमार की तरफ इस एक फैसले के बाद पूरे मुल्क में अमन कायम हो गया। अमन कायम करने के लिए कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग की जरूरत नहीं होती, बस दो चार बड़े बड़े फैसले करने पड़ते हैं। अगर मेरिट पर फैसला किए जाएं तो कोई वजह नहीं कि हमारे मुल्क में अमन नहीं होगा, बस इस तरह के फैसले करने की जरूरत है।